हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स नोटिफिकेशंस 2021 एंड 22 सेशंस के लिए। तो आज के वीडियो में मैं बस यूजी कोर्सेज के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कब से फॉर्म फिलअप है, कब लास्ट डेट है, कब मेरिट बनेगी, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जानने के लिए बिल्कुल आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे कर लीजिएगा प्रेस। इसके बाद एडमिशन्स के दौरान आपको किसी भी प्रकार के हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशंस यानी प्रॉस्पेक्ट 2021 विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी की। तो जो जो यहाँ पे मेन पॉइंट है यूजी कोर्सेज के लिए, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कब से फॉर्म फिलअप हैं, तो वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पे जो है आप एंड तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म आवेदन है जो आप 6 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस फॉर्म फिलअप की हैं 26 अगस्त। इसके बाद जो यहाँ पे जो डिटेल्स ऑफ एडमिशन्स टेस्ट होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, जो भी हैं डेट एंड टाइम, वो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट में जो है वो बता दिए जाएंगे, विश्व भारती एडमिशन्स, ठीक है। ये वेबसाइट एक है, तो ये दोनों ही वेबसाइट में आप सभी को इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे और हमारे चैनल के भी साथ आप जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहेंगी। देखिए, यहाँ पे जो आप सभी की एडमिशन्स की गाइडलाइन, जो आप सभी की एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, ये अभी तक ऑफिशियली बताए नहीं हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे एडमिशन्स टेस्ट में आप सबकी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगी, देखिए, अगर आप जनरल या EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 में आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको लाना है। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 आउट ऑफ 27 लाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे SC और SC के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। और देखिए, एप्लीकेशन की फ़ीस आपको यहाँ पर जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप UR, EWS और OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपीज़ पे करना है और ईच एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे आपको 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप SC, ST या PWD के कैंडिडेट हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट्स के लिए आपको 300 और ईच एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए 150 रुपीज़ भरना पड़ेगा। पेमेंट्स हैं, आप सब कुछ ऑनलाइन करेंगे, कोई भी यहाँ पे कैश पेमेंट यहाँ पे जो है अलाउ नहीं होगा। देखिए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की एक अलग अलग इसके अंदर भवन आती हैं और अलग अलग भवन के अंदर यहाँ पे कोर्सेज होती हैं। तो विवास भवन जो है उसके अंदर कौन से कोर्सेज हैं वो जान लेते हैं। देखिए, अंडर ग्रेजुएट BA ऑनर्स आप इसके अंदर कर सकते हैं। ड्यूरेशन से यहाँ पे 3 से 4 साल तक होंगे। कोड नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, 6 सेमेस्टर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद UR OBC के लिए कम से कम यहाँ पर आपको HS पास रहना है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे SC ST के लिए भी सेम, यहाँ पे HS आपको हायर सेकेंडरी पास आउट करना होगा। BA में कौन से कोर्सेज करेंगे उसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे बंगाली अगर आप करना चाहते हैं, UR के लिए 60% एग्रीगेट और बंगाली में भी 60 होना ज़रूरी है। कितनी सीट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 50 सीट्स हैं यहाँ पर SC ST के लिए अलग अलग यहाँ पे दे दिए गए हैं। चाइनीज़ अगर आपको चाइनीज़ कोर्स करना है तो 60% एग्रीगेट और यहाँ पे इंग्लिश में आपकी 60% होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप ऑनर्स करेंगे तो कम से कम 75 मार्क्स इन एग्रीगेट और यहाँ पे 75 मार्क्स इन इंग्लिश में होना चाहिए। ऐसे ही सेम अब हिंदी, इंडो टिबेटन, जापानीज, ऐसी करके यहाँ पे सभी 60 एग्रीगेट परसेंट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विद्या भवन है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है BA के वो जान लेंगे। देखिए, एंशेंट्स इंडियन हिस्ट्री कल्चर्स एंड आर्कियोलॉजिकल्स अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए UR के लिए 60% और हिस्ट्री में आपके 60 मार्क्स होना चाहिए। इधर यहाँ पे अगर आपके 70 मार्क्स इंग्लिश, सोशल साइंस या फिलोसॉफी है तो भी आप एलिजिबल है। OBC के लिए 55, SC ST के लिए 63। यहाँ पे क्राइटेरिया, यहाँ पे कंपेरेटिव रिलीजियंस, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, फिलोसॉफी के भी आप देख सक रहे होंगे। शिखा भवन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो जान लेंगे। यहाँ पे BSc ऑनर्स की कौन कौन से कोर्सेज हैं, यहाँ पे आपको 10+2 यहाँ पे पास रहना है, एटलीस्ट यहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री अगर आप करेंगे तो एग्रीगेट में आप सभी के 60% और
केमिस्ट्री में भी आपको 60% होना चाहिए, ओबीसी के लिए 54 हैं और 54 में केमिस्ट्री में भी होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे फिजिक्स के लिए 70 यहाँ पे एग्रीगेट और 75 मार्क्स आपकी फिजिक्स में और मैथ में होना चाहिए। मैथ्स के भी आप ऐसे ही एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, बोटैनी एंड जियोलॉजी। संगीत भवन में यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक, ड्रामा एंड डांस होते हैं। तो यहाँ पर जो बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स 3 ईयर ड्यूरेशन हैं, यहाँ पे जैसे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे रविंद्र संगीत, मणिपुर डांस और भी कई सारी हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, यूआर के लिए मिनिमम 45 मार्क्स एरीग्रेट होना चाहिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे 40.5 मार्क्स एरीग्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कोर्सेज के लिए यहाँ पे इतनी क्वालिफिकेशन हैं। काला भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स और क्राफ्ट जैसे कोर्सेज होते हैं, जैसे BFA यानी बैचलर इन फाइन आर्ट्स, तो इसके अंदर 2 कोर्सेज आती हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स और बैचलर इन फाइन आर्ट्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये 4 ईयर के ड्यूरेशन कोर्सेज हैं। यूआर के लिए यहाँ पे जस्ट पास होना ज़रूरी है यहाँ पे, और ओबीसी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। अगर आप बैचलर इन फाइन आर्ट्स हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में करेंगे तो 65 मार्क्स यूआर के लिए और ओबीसी के लिए 58.5 मार्क्स यहाँ होना ज़रूरी है। अगर आप डिप्लोमा में फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं तो डिप्लोमा में जस्ट आपको यूआर के लिए 10th पास होना है और ओबीसी के लिए भी 10th पास रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे पल्ली भवन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर जो कोर्सेज होते हैं अंडर ग्रेजुएट की वो होते हैं बैचलर ऑफ सोशल वर्क। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे HS पास आउट यहाँ पे 2020 और 21 के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे 60% मार्क्स आप सभी की होना चाहिए, यूआर हैं तो, ओबीसी के लिए यहाँ पे 54 हैं। अगर आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वोकेशनल स्ट्रीम वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज़, तो इसके अंदर यहाँ पे बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज़ आते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, जैसे अगर आप पास हैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। यूआर के कैंडिडेट है तो आपको एग्रीगेट में आपके 50% होना चाहिए, इंग्लिश में भी आपके मिनिमम 50 मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी के कैंडिडेट है तो आपको 45 मार्क्स एग्रीगेट और इंग्लिश में 45 होना ज़रूरी है। इस कोर्स के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग जिस तरीके से आप मार्क्स, अगर आपकी हायर सेकेंडरी में हैं तो यहां आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। है यहाँ पे शिल्पा साधना अंडर ग्रेजुएशन, यहाँ पे बैचलर इन डिज़ाइन, अगर आप इससे कोर्स करना चाहते हैं तो 4 ईयर ड्यूरेशन है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 10+2 में आपके 60 मार्क्स एरीग्रेट होना चाहिए, ठीक है, 54 मार्क्स ओबीसी के लिए होना चाहिए और यहाँ पे सीट्स जो हैं वो 45 सीट्स हैं यहाँ पे। इसमें भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन आप सभी की हो जाएंगे, यहाँ पे आपकी क्लास 12 की मार्क्स जो हैं वो देखी जाएंगी। पल्ली शिखा भवन में यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के कोर्सेज होते हैं। अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं तो आपके यूआर के लिए 60% यहाँ पे एरीग्रेट होना चाहिए, विथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना होगा, जैसे कि मैथमेटिक्स, ऑर्गोनॉमी, मॉडल कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस। अगर आप ओबीसी के हैं तो 54% आपके 10+2 में होना चाहिए। और बीएससी ऑनर्स अगर आप फिज़िकल एडुकेशन में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एडुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो एरीग्रेड 50% और ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पे यानी 50 हैं। और यूजी की आखिरी कोर्सेज यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट की बीएससी ऑनर्स इन योगा, इसमें भी आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जस्ट आपको 12 पास होना है और यहाँ पे रिजर्वेशंस अवेलेबल हैं और सीट्स आप देख सकते हैं, टोटल 49 हैं। तो ये थे विश्व भारती यूनिवर्सिटी की अंडर ग्रेजुएट के सारे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से कोर्सेज हैं वो मैं एक एक करके आपको बता दिया। टोटल 126 प्रोस्पेक्टर की पेजेस थे, मैंने एक एक करके यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट की थी वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आप सभी को कुछ हेल्प मिला होगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, सभी का मैं बता दिया।
अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।